ये ES300 शिकागो न्यूमेटिक का कंट्रोलर है। आज आप लोगों को इस कंट्रोलर के बारे में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा लोड और अनलोड प्रेशर को लोड और अनलोड कैसे करना है। ये हमारा कंप्रेसर में लगा है, ठीक है, एयर कंप्रेसर का है। तो सबसे पहले मैं 7th नंबर बटन को 3 सेकंड तक ऐसे प्रेस करते हैं, देखते हैं इसको। ये देखिए LED ब्लिंक करने लगी, ठीक है। इसके बाद हम इस इंटर को 4 नंबर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करते हैं, आ गया P0। ये हमारा अनलोड प्रेशर है, P0 जो है ये अनलोड प्रेशर 7.1 है, ठीक है। इसी को हम मैं एक बार और प्रेस करूँगा तो हम इसमें रीडिंग को एडिट कर सकते हैं, मतलब 7.1 है तो 7.2, 3, 4 जितने पे हमें अनलोड करना है। अनलोड का मतलब जितने पे हमारा ये कंप्रेसर बंद हो जाए। तो ये इंटर बटन को एक बार मैंने दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो ये LED ये जो है 7 सेगमेंट जो है ये ब्लिंक करने लगा। अब इसकी रीडिंग को मुझे कम ज़्यादा करना है तो एक अप और 2 नंबर डाउन आप कुछ भी कर सकते हैं इस पर। तो अब देख सकते हैं मैं इसको 7.1 से 7.2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना करना है आप कर सकते हैं। तो हमें 7.1 पे ही जो है अनलोड हो जाना चाहिए, 7.1 पे मेरा कंप्रेसर बंद हो जाना चाहिए। तो ठीक है 7.1 है, ठीक है, इसको मैंने इंटर कर दिया, ओके हो गया, ये अनलोड का था। अब लोड पे जाना है, एक बार इसको जो है बंद प्रेस करके 4 नंबर बटन को ये सेट हो जाता है। इसके बाद अब सेकंड वाला P1 पे जाना है, ये हमारा लोड का है, ये कंप्रेसर जो है ये हमें हमारी कंप्रेसर की मोटर को चला देगी। फिर से जैसे ही हमारा प्रेशर टैंक के अंदर 6.4 हो जाएगा ये तुरंत चला देगा ताकि प्रेशर हमारा कम ना हो टैंक के अंदर। तो मैंने इसको जो है इंटर किया और इसके बाद एक बार फिर इस बटन को 4 नंबर बटन को एक बार फिर से प्रेस करना है। तो ये हम प्रेस करते हैं ताकि मैं जब ये ब्लिंक करने लगेगा तो आप रीडिंग को इसमें एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि 6.4 ब्लिंक कर रहा है, अब हमें 6.321 जितना करना है, ये अप का है या डाउन का है, 3, 2, 1, 0, 5, 5.9, 5.8 जितना करना है। तो मुझे 6.4 पे ही जो है लोड पे करना है क्योंकि ज़्यादा सही नहीं होता है कि कहीं एयर कम हो जाए, बंद हो जाएगा। तो इसके बाद ये देखो मैंने 6.4 कर दिया, अब इसके बाद इसको इंटर कर दे रहे हैं, ये हमारा प्रेशर पूरा सेट हो गया, लोड अनलोड पूरा टोटली सेट हो गया। अब इसके बाद हमें अपने प्रीवियस मेनू पे जाना है, जो पहले हमारा दिखना चाहिए जो कैसे कितने पे क्या चल रहा है। तो ये हम बैक का एक बार प्रेस कर दिए, ये आपका पुराने मेनू पे आ चुका है। तो लोड अनलोड कैसे करते हैं आज की वीडियो मैंने आपको ये बताया है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके।